हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में लोटे सोलियम आई ड्रॉप के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। लोटे सोलियम आई ड्रॉप का मेनली यूज आंखों से जुड़ी समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस ड्रॉप के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये ड्रॉप कैसे काम करता है, क्या इस्तेमाल होता है, इस ड्रॉप के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस ड्रॉप से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको स्टूडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वेल फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेरी विजन केयर इंडिया लिमिटेड का ये 5 ml का ड्रॉप आपको मेडिकल स्टोर पर 150 रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। यह ड्रॉप खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। यह डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाला ड्रॉप है। बात करते इस ड्रॉप में मौजूद कंटेंट के बारे में। लोटे सोलियम आई ड्रॉप में लोटे प्रेडनॉल एटाबोनेट 0.5 मॉक्सीफ्लोक्सासिन आईपी 0.5 यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद लोटे प्रेडनॉल एटाबोनेट यह एक स्टेरॉइड ड्रग है जो उन केमिकल मैसेंजर को रोकता है जो आंखों को लाल और आंखों में सूजन का और खुजली का कारण बनते है। इसमें मौजूद मॉक्सीफ्लोक्सासिन यह एक एंटीबायोटिक ड्रग है। यह बैक्टीरिया को खत्म करके उन्हें दोबारा होने से रोकता है जो आंखों में इन्फेक्शन का कारण बनते हैं, और यह आंखों की सूजन से राहत भी देता है। बात करते इस ड्रॉप के यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रॉप का मेनली यूज आंखों में इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने में यूज किया जाता है। इसे आंख आने की समस्या, आंखों में एलर्जी होने की समस्या, इसे यूवाइटिस की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। यूवाइटिस में आंखों के बीच वाली परत पर सूजन और लालिमा आ जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। इसे आंखों में सूजन की समस्या दूर करने में, आंखों में जलन की समस्या दूर करने में, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रॉप के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस ड्रॉप का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते इसे इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। याद रखें दोस्तों, इस ड्रॉप का डोज आपकी उम्र और आयु पर निर्धारित रहता है, इसलिए आप अपने आंखों की समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस ड्रॉप का डोज उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। साइड इफेक्ट, इस ड्रॉप के इस्तेमाल से होना दुष्परिणाम। यदि आपको इस ड्रॉप में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको पता है कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको पता है कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस ड्रॉप के इस्तेमाल से आपकी आंखों में जलन, आंखों में सूजन आना, धुंधली दृष्टि होना, आंखें लाल होना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस ड्रॉप को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस ड्रॉप के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस ड्रॉप में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस ड्रॉप का यूज ना करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य ड्रॉप, मेडिसिन, टैबलेट, सिरप ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस ड्रॉप का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको आंख से जुड़ी अन्य समस्या है या फिर आपकी कोई आंख से जुड़ी सर्जरी हुई हो तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस ड्रॉप को केवल एक्सटर्नल यूज करें। इस ड्रॉप को इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह से चेक करें और बाद में यूज करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।